this is Harshita from Study Marathon, and today we are starting with exercise 2.3. So if you are new to my channel, just press the subscribe button and hit the bell icon to be updated with my upcoming videos. So let's start with exercise 2.3. So question number one is, which of the following will not represent zero? अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है और आपको उसमें से एक चूज करना है, और क्वेश्चन का मतलब है इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें आपका जीरो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब वो सॉल्व होने के बाद आपका जीरो नहीं आएगा. सो दैट मीन्स हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे इसके पार्ट्स वन बाय वन. तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो पहला है 1 + 0. अगर मैं कोई भी नंबर जीरो में ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है? जो नंबर है वही आता है. लाइक 1 + 0, 1 + 0 इज 1. तो क्या है मेरे पास आंसर? 1 आया है, ठीक है. अब नेक्स्ट, 0 × 0 मीन्स 0 × 0 इज 0. किसी भी नंबर को भी वैसे हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर 0 आता है, और यहाँ पे तो 0 ही 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दैट मीन्स आपका आंसर 0 है, ठीक है. तो बी पार्ट का आंसर क्या है? 0. नेक्स्ट सी पार्ट. तो सी पार्ट है आपका 0 / 2, और अगर हम किसी को 0 को हम 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका भी आंसर 0 ही आता है. तो ये है आपका 0. तो बी पार्ट और सी पार्ट आपके 0 हैं. अब आते हैं डी पार्ट पे. तो डी पार्ट है आपका 10 - 10/2. तो पहले मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेती हूँ. तो 10 - 10 इज 0, और 0/2, 10 - 10 0 आ गया, नीचे 2 था, मैंने एज इट इज लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से. मतलब मैंने आपको इसमें भी बोला था कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो उसका भी आंसर 0 ही आता है, क्लियर. तो अब हमारा क्वेश्चन था, आपको ये बताना था यहाँ पे इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आता. तो ये बी सी और डी, इन तीनों में तो 0 आ रहा है, लेकिन ये ए पार्ट ऐसा है जिसमें 0 नहीं आ रहा. क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? 1 आ रहा है. सो दैट मीन्स इसका आंसर है ए पार्ट, राइट. तो इसमें ए पे टिक लगा दो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0. इसमें क्या बोल रहा है ये? अगर आप 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर क्या आ रहा है? 0. तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? इसमें क्या बोला गया है? क्या हम ये बोल सकते हैं या तो एक नंबर उसमें से 0 होगा, दो प्लेसेस जो हैं या तो उसमें से एक नंबर 0 होगा तभी आपका 0 आ रहा है, या तो आपके दोनों नंबर 0 होंगे तभी आपका आंसर 0 आ रहा है. और अगर दोनों केसेस में आपका आंसर येस है तो आपको जस्टिफाई करना है इस आंसर को एग्जाम्पल्स के साथ. तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख देती हूँ फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में 0 लिख देती हूँ, अगर मैं किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? 0 ही आएगा. सो दैट मीन्स फर्स्ट केस में आपका हो गया येस. क्यों येस हुआ? क्या लिखोगे? इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0, ठीक है. अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है. अब आपने यहाँ पे फर्स्ट केस में बोला है येस इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द रिजल्टेंट विल बी 0, ठीक है. तो हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई कर देते हैं. देखो मैं इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है. अब इसने बोला है कि हम किसी भी नंबर को, सपोज 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0 के साथ, तो किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 ही आता है. आप कोई बड़ा नंबर भी ले लो, सपोज 793 × 0, अगर आपने इस नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करा है तब भी आपका आंसर 0 आएगा, राइट. आप जितने एग्जाम्पल्स चाहे दे सकते हो,
मैंने यहाँ पे सिर्फ टू एग्जांपल्स दिए हैं और इसका आंसर है यस। ये अभी आपका फर्स्ट केस हुआ है जो यहाँ पे लिखा था वन नंबर भी जीरो, तो एक नंबर भी अगर जीरो है तब भी आपका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है, राइट। अब आते हैं हम बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, मतलब दोनों में मैं अगर जीरो डाल दूँ, कोई नंबर ना हो, जीरो इंटू जीरो मीन जीरो और जीरो का, जीरो का प्रोडक्ट जीरो के साथ ही करें तब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। सो दैट मीन्स इस केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, अब सेकंड केस जो है उसमें भी आपका आंसर यस ही होगा। तो मैं इसके नीचे से ही कंटिन्यू कर देती हूँ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, यहाँ पे मैं इफ हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख दो द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक केस डाल दिया है कि प्रोडक्ट दो जीरोस का निकालेंगे अगर हम, मींस जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो करूँगी तब भी आपका आंसर जीरो है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, तो इसका भी आंसर क्या है हमारे पास, यस, ठीक है। मीन्स फर्स्ट केस था किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर जीरो आएगा, और सेकंड केस क्या है, अगर आप जीरो को भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, इसका आंसर यस, यस वी कैन से दैट वन वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो नाउ दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। Okay, so now moving on to the question number 3 of exercise 2.3. So question number 3 is same as question number 2, but here is different something. See, if the product of two whole number is 1, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपने two whole numbers का product किया है और आपका answer क्या आया है 1, right? That means कि यहाँ पे दो numbers को आपने multiply किया है और आपका answer आया है 1. अब वो बोल रहा है कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है या तो उसमें से एक नंबर वन होगा या तो दोनों ही नंबर वन है। आप मुझे बताओ ये आंसर अगर सही है, अगर इसका आंसर यस है तो जस्टिफाई विद योर एग्जांपल्स, मतलब जो हमने क्वेश्चन नंबर टू में किया वही हम क्वेश्चन नंबर थ्री में करेंगे, बट यहाँ पे चेंज क्या है कि अब आपका आंसर वन आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे अगर एक में मैं वन लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख देती हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वन और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइव, मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया और फाइव को मैंने मल्टीप्लाई किया है वन के साथ, तो फाइव वनजा क्या होता है, फाइव को अगर मैं वन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा आंसर, फाइव वनजा फाइव होता है, वन तो नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक नंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखती हूँ, इफ वन नंबर इज वन, अगर एक नंबर वन है सो द प्रोडक्ट, इफ वन नंबर इज वन सो द प्रोडक्ट विल नॉट बी वन, ठीक है। अगर आपका एक नंबर वन है दैट मीन्स अगर आपका इन दोनों में से एक नंबर वन है तो आपका रिजल्ट जो है, जो आपका आंसर है वो आपका वन नहीं आएगा। अगर आप एक में वन लिख रहे हो तो ये तो है कि दूसरा नंबर जो है वो कोई नंबर ही होगा, टू थ्री फोर या कोई भी नंबर आप लिख लो तो वो नंबर ही होगा दूसरा, ठीक है। तो अगर मैं उस नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वही नंबर आएगा मेरे पास, ठीक है, वन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इफ वन नंबर इज वन सो द प्रोडक्ट विल नॉट बी वन, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स के साथ। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया है, तो अगर मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, 8 को भी अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, अगर मैं 93 को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 के साथ तब मेरे पास 93 आ रहा है, सॉरी 8 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 आ रहा है, 8 को अगर मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर 8 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास नंबर वो खुद ही आएगा, ठीक है। 4 वन जा 4, 8 वन जा 8, 93 वन जा 93, राइट। अब दूसरे केस में वो बोल रहे हैं या तो वो दोनों नंबर्स 1 हो,
तो अगर मैं दोनों नंबर्स 1 लिखती हूँ, 1 into 1 is 1, तो ये तो हमारा yes हो गया ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, if both numbers are 1, then the product is 1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर बोथ नंबर्स हमारे पास 1 है, देन दी प्रोडक्ट इज 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जांपल्स के साथ आपको जस्टिफाई करना है, तो यहाँ पे आप क्या एग्जांपल लिख दोगे इसका, अगर मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर इसका 1 आएगा, क्लियर। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4।